हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसो, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी फिलहाल मैं चल रहा हूँ कस्या श्री साई कम्युनिकेशन मोबाइल सर्विस सेंटर, सपहा रोड, कस्या कुशीनगर, मेरे मोबाइल में। तो अभी फिलहाल चलते हैं, देख सकते हो ये मोबाइल है जो पहले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। ये मोबाइल जो है स्क्रीन छूट चुका है, तो इसका फोल्डर लगवाना है। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं कस्या सपहा रोड पे। तो अभी वहाँ पे चलते हैं और उसके बाद से आप लोग का आगे का वीडियो दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं, ये सभी जो है हम आ चुके हैं कस्या में और चलते हैं अब यहाँ से सपहा रोड पे, जहाँ पे दुकान है मोबाइल का। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं, देख सकते हैं आप पीछे शहीद चौक पे हम आ चुके हैं। ये कुछ मार्केट है, ये सपहा रोड पे एनी टाइम गर्दी रहता है, देख सकते हो कितना ज़्यादा गर्दी है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, ये सपहा रोड है, सीपी गुप्ता हॉस्पिटल, और इसके कुछ ही आगे है, ये देख सकते हो। तो देख सकते हो गाइस, ये रहा साई कम्युनिकेशन मोबाइल वाला जो जहाँ पे हमको फोल्डर लगवाना है, तो यहीं पे हमको चलना है। ये देख सकते हैं ये दुकान है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हर प्रकार का फोल्डर मिलता है, तो यहीं पे लगवाएंगे। ये देख सकते हो सपहा रोड पे ही है। तो अभी पहले चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा दुकान जो है वो मोबाइल का पूरा सामान मिलता है यहाँ पे। तो आप लोग को किसी भी मोबाइल का फोल्डर चाहिए, बैटरी चाहिए, चार्जर चाहिए, जो भी चाहिए वो यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी मैं मोबाइल दे दिया हूँ, तो ये देख सकते हो भाई कैसे खोल रहे हैं। तो पहले इसको हीटिंग कर रहे हैं ओवन से, उसके बाद से फिर इसको खोलेंगे, जो ग्लू लगा रहता है उसको हीट करेंगे, उसके बाद से हीट करने के बाद से खोलेंगे। तो ये खोलने के बाद से उसके बाद से यहाँ पे जो है फोल्डर लगेगा, फोल्डर लगा के चेक होगा, उसके बाद से फिर जाएगा लगने के लिए। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। और यहाँ पे जो है वो सस्ता से सस्ता, हर दुकान से सस्ता फोल्डर लगता है, क्योंकि ये होलसेल का मार्केट करते हैं, होलसेल का दुकान है यहाँ पे। तो कोई भी मोबाइल का एक्सेसरीज कर आपको लगवाना है तो आके यहाँ पे लगवा सकते हो। तो गाइस आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, हम आप लोग को दिखाएंगे कि मोबाइल का फोल्डर कैसे लगता है और पूरा सेटअप दिखाएंगे आप लोग को। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, अभी हम आप लोग को वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस देख सकते हो जो मोबाइल है वो खुल चुका है, फोल्डर अभी लगना बाकी है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, दिखाएंगे हम कि फोल्डर कैसे लगता है, पूरा वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक। और फोल्डर लगवा के उसके बाद से हम आपको रेट भी बतलाएंगे कि कितना पड़ा है रेट। तो आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस देख सकते हो ये पहले ये भी फोल्डर को चेक कर रहे हैं, वहाँ से चेक करने के बावजूद यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद से उसके बाद से इसमें ग्लू लगा के चिपकाया जाएगा। तो अभी पहले ये चेक कर रहे हैं, तो वीडियो को। तो गाइस देख सकते हो पूरा सफाई करने के बाद से अंदर जो है वो गोद लगा रहे हैं, फिर जो इसमें चिपकाने के लिए, फोल्डर को चिपकाने के लिए पहले इसमें ग्लू लगाया जाता है, उसके बाद से फिर फोल्डर चिपकाया जाता है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा एंड तक, पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फोल्डर लगता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा।
तो गाइस ग्लू जो है वो लग के तैयार हो चुका है। अब इसमें हमारा फोल्डर जो है वो लगेगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, देख सकते हैं इसमें ग्लू लग चुका है। अब यहाँ पे फोल्डर लगेगा, देख सकते हो आप लोग कि फोल्डर किस हिसाब से लग रहा है। आप लोग वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो वीडियो को। तो आप लोग ये सपान रोड पे दुकान है, आप लोग को अगर जो कुछ भी चाहिए यहाँ पे आके दुकान पे सामान ले सकते हो। कोई भी मोबाइल का फोल्डर, बैटरी, जो भी पैनल वैनल चाहिए वो सब चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो आप लोग आइए और दुकान पे एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग आके यहाँ पे जो भी सामान चाहिए, नया फोल्डर वोल्डर सब चीज़। तो गाइस देख सकते हो कि जैसा कि अभी हमारा फोल्डर लग चुका है, और उसको अभी रबड़ से थोड़ा बहुत बेंडिंग कर रहे हैं क्योंकि ग्लू लगा है तो अभी गीला है, तो उसको ऐसा जगड़ के रखेंगे तो टाइट हो जाएगा। उसके बाद से हम मोबाइल यूज कर सकते हैं एक दो घंटे बाद। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस बेंडिंग हो चुका है, इसके बाद से अब इसका जो है स्क्रू है वो टाइट किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो बैंडिंग लगाने के बाद से स्क्रू टाइट हो रहा है। तो गाइस मोबाइल हो चुका है क्लियर, अभी पीछे का पैनल लगाना बाकी है। तो ये देख सकते हो गाइस मोबाइल के बैक कवर पे जैसे बैकग्राउंड जो होता है उस पर किस हिसाब से पन्निक लगाते हैं, ये कितना अच्छा खूबसूरत लगेगा। हम आपको फोटो लगा देंगे, आप लोग देख सकते हो। तो जो भी मोबाइल होगा आपका उस पर फोल्डर पीछे जो होता है बैकग्राउंड उस पर लग सकता है, देख सकते हो गाइस। ये मशीन से कटिंग हो रहा है, कितना मस्त मशीन से कटिंग हो रहा है। जो भी मोबाइल होगा उस हिसाब से उसके नाप से कटिंग होगा, एकदम बारीक कटिंग होगा, एकदम मस्त आराम से कैंची उची कोई भी कैमरा वमरा जो भी है उस पर लग सकता है। ये कटिंग होके तैयार हो चुका है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हो ये भाई चिपका रहे हैं, उसके बाद से थोड़ा सा हीटिंग करेंगे, हीटिंग करने के बाद से उसको चिपकाएंगे। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग देख सकते हो कि कितना मस्त लग रहा है। ये देख सकते हो भाई इसको चिपका दिए, इसके बाद से लेके जाएंगे, अभी थोड़ा सा इसको हीट करेंगे, उसके बाद से फिर देख सकते हो कितना खूबसूरत दिखेगा। अभी गाइस बैकग्राउंड जो मेरा था वो टूट चुका था, तो इसके वजह से मैं ये सामने जो पन्निक दिख रहा है इसको मैं चिपकवाया था। उसके बाद से पन्निक लगने के बाद से बैकग्राउंड पे और खूबसूरत दिखने लगा। तो इसके बाद से ये देख सकते हो पीछे जो है बैकग्राउंड लग चुका है, और उसके बाद से यहाँ पे ग्लू लगा के और वापस इसको चिपका दिया जाएगा। उसके बाद से फिर से रबड़ का जो है बाइंडिंग लग जाएगा, उसके बाद से मोबाइल एकदम तैयार। तो अगर आप लोग को यहाँ पे आना है तो आप लोग आ सकते हो, सपान रोड पे ये दुकान है। तो गाइस फोल्डर लग चुका है, ये देख सकते हो गाइस फोल्डर वोल्डर लग चुका है, और वीडियो पूरा जो है वो बन चुका है। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से लॉक लेना है, उसके बाद से चलेंगे घर पे। तो अभी चलते हैं पहले लॉक लेने, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। गाइस देख सकते हो पीछे ताले का मार्केट है, और यहाँ से ताला लेंगे हम, और उसके बाद से चलेंगे घर पे। और हम आपको पूरा बतलाएंगे कितने का फोल्डर पड़ा है, तो अभी आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक। तो अभी पहले चलते हैं यहाँ पे ताला लेते हैं।